Hey guys and welcome back to my channel. आज थोड़ा सा special vlog है क्योंकि आज हम shoot कर रहे हैं कि हम कौन सी जगह पे आए हैं. आज हम आए हैं कुल्लड़ कैफे, इट्स इन यमुनानगर. डोंट गो बाय माई अपियरेंसेज. मैं ऐसे घर से उठ के आ गया, वॉज वर्किंग, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गया. आई शो यू ये कैसा दिखता है. तो ये ऐसा दिखता है एंड इट इज़ ऑपोजिट मीना बाजार. यू गाइस कैन सी, जो यमुनानगर में हो तो पता होगा. ये छोटा सा स्टॉल है ऐसा जिसमें अलग अलग फ्लेवर चाय कॉफ़ी मिलती है एंड सम स्नैक्स. ये ऐसे छोटा सा बूथ है एंड आई शो यू ये अंदर से कैसे. यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने हट टाइप बनाया है विच हैज सम सिटिंग्स. तो हमने ऑर्डर की थी एक हेजलनट कॉफ़ी. ये ऐसा है, अंडरग्राउंड है एंड ओके चलो चलते हैं. सो हियर इज ऋषभ. हाय ऋषभ. बहुत छोटा सा है, बहुत क्यूट लगता है, बड़ा है. आई रियली लाइक, बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे शो है. और क्या ऑर्डर किया था ऋषभ हमने? कॉफ़ी, एक हेजलनट कॉफ़ी एंड चॉकलेट चाय. पापा मार्केट में ही है, उनको फ़ोन कर दो आज ही. एंड नेक्स्ट इनका मेन्यू कुछ इस तरह का है. नाइस कंसेप्ट आई कैन से. या इट्स वेरी क्रिएटिव. आई मीन बड़ी छोटी सी जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की चाय एंड कॉफ़ी मिलती है. राइट. मस्ट से इसका रिव्यू मुझे देना पड़ रहा है बिकॉज मतलब लिटरली ये CCD की कॉफ़ी फेल करने वाली बात है. आपकी वाली भी फेल कर रही है. मेरी घर वाली कॉफ़ी भी कह रहा है कि ये फेल कर रही है जो मैं बीट कर. हाँ, स्टारबक्स इज टॉकिंग अबाउट स्टारबक्स एक्चुअली गाइज. तो ये कॉफ़ी जो भी लोग यमुनानगर में हैं, जो लोग बाहर से विजिट करें, डू डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस कुल्लड़ कैफ़े एंड यहाँ की चाय कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें. भी स्नैक्स आएंगे डेफिनेटली मतलब अपना रिव्यू उस पर भी शेयर करूँगी. हाँ, मीना बाज़ार के ऑपोजिट बता दिया मैंने. रमेश आइसक्रीम के ऑपोजिट, सिंस ही इज़ फ्रॉम हेयर. बर्थ प्लेस ही है ना, मेरा नहीं है, तो फिर मुझे जहाँ तक समझ आया मैंने बता दिया. तो प्लीज़ इनकी कॉफ़ी जो कि फ्लेवर्ड है और टी भी फ्लेवर्ड है ज़रूर ट्राई करना है. इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अमेजिंग टेस्ट है और प्राइसेस भी बहुत हाई नहीं है. इट्स बेस्ड ऑन कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं. चोको ऑरेंज विच एक्चुअली टेस्ट लाइक एक ब्लेंडेबल सा फ्लेवर होता है ना, जैसे मतलब मुझे असल में ऐसी कोई चॉकलेट शायद मैंने खाई थी. आपको कैसा लगा ऋषभ? मैंने अभी ट्राई नहीं किया, अब ट्राई करो मैं बताओ हमें. ओह माय गॉड, अच्छी है. बेसिकली ये जो हमारा कैफ़े है कुल्लड़ कैफ़े, आपको नाम से ही जस्टिफाई हो रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या सर्व कर रहे हैं, किस चीज़ में कर रहे हैं. तो ये जो कुल्लड़ कैफ़े है, इस कैफ़े के पीछे कुछ एक विजन्स हैं जो हमने इसको कैफ़े को स्टार्ट किया था. ये तीन विजन्स पे आधारित कैफ़े है. पहला विज़न इसका यह है कि हम पोर्टर जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं उनके हम व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, प्लास्टिक्स को हम अवॉइड कर रहे हैं एंड थर्डली अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड लेबर को हम रोज़गार देना चाह रहे हैं. उसी के साथ साथ हम तंदूरी चाय सेल कर रहे हैं यहाँ पर और उस तंदूरी चाय में भी हम 6 फ्लेवर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि शायद पूरे इंडिया में अभी सिर्फ हम फर्स्ट वेंडर हैं जो तंदूरी चाय को फ्लेवर करके दे रहे हैं. तो हमारे पास इस वक्त 6 फ्लेवर अवेलेबल हैं, चॉकलेट, अदरक मसाला, इलायची, पान और रोज़, जिसमें अभी हम 140 फ्लेवर्स और ऐड करने वाले हैं बाय द स्टार्टिंग ऑफ मार्च. तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए और हमें अपनी सेवा का एक बार ज़रूर मौका दीजिए. एक क्वेश्चन मेरा है कि आपने रेसिपी सारी मतलब कहाँ से खुद डेवलप की हैं या कोई बात है? हमने खुद डेवलप करी है रेसिपी सारी. ठीक है ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द कंसेप्ट. थैंक यू. हमने बहुत कुछ खाया, बाकी देख लो सारा कुछ आते रहेंगे हम. सो गाइज, एज यू सॉ हमने एक छोटा सा ब्रीफ लिया कुल्लड़ कैफ़े के ओनर से एंड डू विजिट दिस प्लेस. हमने जो लास्ट कॉफ़ी ट्राई की थी वो भी बहुत अमेजिंग थी. इट वॉज चॉको ऑरेंज. दैट फ्लेवर इज़ रियली वेरी वेरी अमेजिंग. मतलब अगर चॉको ऑरेंज का देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई दवाई का फ्लेवर होगा, बट डेफिनेटली गाइज ऐसा नहीं था. इनके कुछ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स हैं फॉर श्योर एंड प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो बहुत रीज़नेबल है.
सो डू विजिट दिस कैफे एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन पे भी प्रेस कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो और उसके बाद ये वीडियो शेयर भी कर दो, इस कैफ़े में विजिट भी कर लो और बताना कैसा लगा आपको ये कैफ़े. मेरा रिव्यू बहुत अच्छा था, थम्स अप फॉर दिस कैफ़े. थैंक यू सो मच गाइज, बाय.